भारत के चंद्रयान 2 मिशन में सब ठीक था, लेकिन आखिर के 90 सेकंड में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मिशन फेल हो गया, जिसने पूरी कहानी ही बदल डाली इस 90 सेकंड की वजह से। दरअसल लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। इसरो के चीफ के सिवर ने कहा था कि आखिर के 15 मिनट बेहद अहम होंगे, इनमें से लगभग 13 मिनट तक सब कुछ ठीक था, सब अंडर कंट्रोल था, लेकिन आखिरी के 90 सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने चांद पर असफलता पूर्वक पहुंचने का रास्ता दिखाया। ये मिशन सफल होते होते रह गया सिर्फ इस 90 सेकंड की वजह से। चलिए आपको पूरी कहानी बता दूं। पूरे देश और पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार था वो आ गया था। इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों की नजरें अलग अलग स्क्रीन पर ऐसे टिकी थी बिना पल के छपकाए। आखिर के 15 मिनट में पीएम मोदी, इसरो चीफ सिवन की पलके जैसे उस स्क्रीन पर गड़ी थी, लेकिन चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से महज चंद सेकंड पहले वैज्ञानिकों के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। करीब 25 मिनट तक जबरदस्त सस्पेंस बना रहा, लेकिन वैज्ञानिकों के चेहरे पर आखिरकार मायूसी भरे संकेत मिल गए कि सब कुछ ठीक नहीं है। आखिरकार इसरो की तरफ से बताया गया कि लैंडर से संपर्क टूट चुका है। दरअसल इसरो चीफ ने जिस आखिरी 15 मिनट को सबसे अहम बताया था, उसमें ही मिशन चंद्रयान 2 के सामने आई मुश्किल का राज छिपा था। रात 1:38 पर लैंडर विक्रम चांद की ओर बढ़ चला था, लेकिन चांद पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग का समय 1:52:54 तय किया गया था, लेकिन आखिरी के 90 सेकंड बचे हुए थे और लैंडर विक्रम चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे। तभी लैंडर से ग्राउंड स्टेशन का संपर्क टूट गया और इसरो ने ऐलान किया कि चांद से 2.1 किलोमीटर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद लैंडर से संपर्क टूट गया है। ये लास्ट हो सकता है, लेकिन लीस्ट नहीं। हमने सफल प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है और हम सब इसरो के साथ हैं। आने वाले समय में हम इस पर दूसरा प्रयोग करेंगे और वो जरूर सफल होगा। असफल भी एक जिंदगी का हिस्सा है। बहरहाल अभी थोड़ा सभी दुखी हैं इस बात से, लेकिन उतना ही खुश हैं कि हमने कोशिश तो की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।